वी एक्सप्लेन अबाउट एसिड, हार्डेड एसिड, एसिड टेस्ट इन सॉइल। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी आती है कि एसिड जो होता है टेस्ट क्या होता है हमारा, टेस्ट होता है हमारा सॉइल। दूसरा होता है हमारा कि ये रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उसको रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनदर प्रॉपर्टी आ गया व्हेन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या मिलेगा हमारे सोडियम क्लोराइड बनेगा जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी चार दिया व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हमारा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या कह सकते हैं इसमें सोडियम हाइपोकार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट मींस NaCl, वाटर मींस H2O, दिस इज द केमिकल फार्मूला। व्हेन कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर कॉपर कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड एंड फॉर्म वाटर। एसिड हैव अ कोरेज नेचर, कोरेज नेचर मींस व्हेन एसिड पुट ऑन अ स्किन और अ क्लॉथ देन बर्न इट। जब हम एसिड को किसी चीज पे डाल देते हैं उसको जला देते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना एसिड अटैक दिल्ली वगैरह में कई सारी घटना हो रही है, बॉयज जो है गर्ल्स के फेस पर एसिड वगैरह डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा जो स्किन होती है बिल्कुल हमारी झुलस जाती है, जल हो जाती चल जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड टू टाइप्स के होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? व्हेन दो एसिड विच आयोनिक आयोनाइज कंप्लीटली, जो एसिड हमारी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वो क्या कहलाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो व्हाट इज वीक एसिड? दोज एसिड आर नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जो एसिड हमारे कंप्लीटली आयोनाइज ना हो वो क्या कहलाएंगे हमारे वीक एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें CH3COOH, एसिटिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑफ बेस, व्हाट इज बेस? सबसे पहले बेस के बारे में क्या बात करते हैं, टेस्ट क्या होता है इसका? टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। बेस जो होते हैं हमारे वो हमारे सॉपी होते हैं, सॉपी मतलब चिकने होते हैं। बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस, बेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। बेस आर टू टाइप्स, नंबर वन स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर टू वीक बेस। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? दोज बेस आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय वाटर। दोज बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल्स में हमारी बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, TOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोज एसिड आर नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस नोन एज वीक बेस, NH4OH हो गया, COH का होल्ड ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH का होल्ड ट्वाइस हो गया। वंस अगेन एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दो एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस, जो एसिड हमारे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाने एक्वस में वो क्या कहलाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल हमारा HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। वीक एसिड, व्हाट इज वीक एसिड? दो एसिड आर नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस नोन एज वीक एसिड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया एक्सेट्रा। इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस।
बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यूजेस ऑफ बेस, बेस का यूज क्या होगा हमारा, एंड पीएच स्केल, इसके बारे में बात करेंगे। सो यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।